सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज में इस जिले के शिक्षकों की छुट्टियों में भी योग प्रशिक्षण में ड्यूटी लगाने से रोष। जिले में शिक्षक की संख्या के आधार पर प्रत्येक शिक्षकों को न्यूनतम 1 क्विंटल भूसा दान करने के संबंध में जिला वैश्याधिकारी का आदेश जारी। सरकार ने वापस ली आधार कार्ड से जुड़ी हुई एडवाइजरी। बेसिक के बच्चों को अब 22 भाषाओं का होगा ज्ञान। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए साथियों, इस जिले के शिक्षकों की छुट्टियों में योग प्रशिक्षण में लगाए गए ड्यूटी के संबंध में। बेसिक के बच्चों का 22 भाषाओं से कराया जाएगा परिचय। एटा प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षारत बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत संगम कार्यक्रम के माध्यम से 22 भाषाओं का परिचय कराया जाएगा। इसके लिए विभाग पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, अभिभावक भी शामिल किए जाएंगे। देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचय कराने का भी इसमें काम किया जाएगा। BSA संजय सिंह जी ने बताया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भाषा संगम को बढ़ाया हुआ दिया जा रहा है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए भाषा संगम कार्यक्रम विषय के लिए ब्रोशर, बुकमार्क, QR कोड को 22 भाषा में दी गई विषय वस्तु से बच्चों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों का उन्मुखीकरण किया जाना है। प्रसिद्ध विद्यालयों में भाषा संगम कार्यक्रम का प्रसार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बताया गया कि भाषा संगम कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं से परिचित कराया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं भाषाई सामंजस्य को बढ़ावा, भाषा के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता से बच्चों का परिचय कराया जाएगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी कौशल को बढ़ावा देने के लिए NCERT द्वारा 100 शब्दों के सवाल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। कार्यालय जिला वैश्याधिकारी संभल 27/5/2022 का ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय संभल के दिनांक 26/5/2022 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद संभल के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में तैनात शिक्षक एवं शिक्षा मित्र को प्रेरित करते हुए विशेष अभियान चलाकर शिक्षक की संख्या के आधार पर प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 1 क्विंटल भूसा इच्छुक कृषकों से दान में प्राप्त करते हुए नजदीकी गौशाला में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त करते हुए सूचना मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्राप्त करते हुए कराते हुए अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिए गए निर्देशों का क्रम अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शिक्षक की संख्या के आधार पर प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 1 क्विंटल भूसा इच्छुक कृषक अध्यापकों से दान में प्राप्त कराते हुए नजदीकी गौशाला में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त कराते हुए प्रतिदिन 4:30 बजे तक सूचना निर्धारित प्रारूप पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को एवं हस्तक्षेप कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये साथियों समस्त शिक्षकों हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। डिटेल्स: शिक्षक का नाम व पदनाम, विद्यालय का नाम, ग्राम सहित विकास खंड का नाम, दानदाता का नाम, दानदाता का पता व मोबाइल नंबर, दान द्वारा दी गई मात्रा, गौशाला जिसमें दान किया गया, प्राप्त करने कर्मचारी के हस्ताक्षर, जिला वैश्याधिकारी दीपिका चतुर्वेदी जी संभल डिस्ट्रिक्ट से आदेश निर्गत किए गए हैं। सरकार ने वापस लिया आधार कार्ड से जुड़ी हुई एडवाइजरी। सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण URDI के उस परामर्श को वापस ले लिया है जिसमें आम जनता को किसी भी कंपनी के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा करने को लेकर आगाह किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने का परामर्श वापस ले रहा है क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। इससे पहले मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी थी कि वे किसी भी संगठन या कंपनी के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह आधार संख्या के सिर्फ अंतिम 4 अंकों को दर्शाने वाले आधार मास्टर आधार का
इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आधार संख्या के पहले 8 अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम 4 अंक ही दिखते हैं। हालांकि इस परामर्श की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यूआरडीआई के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने को कहा गया था। इसमें विकल्प के तौर पर आधार संख्या के अंतिम 4 अंकों को प्रदर्शित करने वाले आधार का यूआरडीआई के बेंगलुरु स्थित कार्यालय से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। इसमें विकल्प के तौर पर आधार संख्या के अंतिम 4 अंकों को प्रदर्शित करने वाले आधार का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। आधार की फोटोकॉपी साझा करने को लेकर किया था आगाह। ये साथियों एडवाइजरी थी, प्रेस रिलीज 27 मई 2022 की भारत सरकार के द्वारा। डू नॉट शेयर फोटोकॉपी ऑफ योर आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट कैन बी मिसयूज। अल्टरनेटिवली प्लीज यूज ए मास्टर आधार विच डिस्प्लेज ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट https://myaadhar.uidai.gov.in। प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन डू यू वॉन्ट ए मास्ट आधार एंड प्रोसेस टू डाउनलोड। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आधार नंबर कैन बी वेरीफाइड एट https://myaadhar.uidai.gov.in/verify-aadhar/to-verify-offline। यू कैन स्कैन टू QR code एंड यू ई आधार आर आधार लेटर आर आधार PVC card यूजिंग QR code स्कैनर इन द एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन। प्लीज अवॉइड यूजिंग ए पब्लिक कंप्यूटर एट ए इंटरनेट कैफे क्यूएस टू डाउनलोड ए ई आधार। हाउ यूर इट यू डू सो प्लीज इंश्योर दैट यू डिलीट ऑल द डाउनलोड कॉपीज ऑफ ई आधार परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ऑब्टेंड ए यूजर लाइसेंस फ्रॉम द UIDAI कैन यूज आधार फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। Unlicensed private entities like hostels or film halls are not permitted to collect or keep copies of Aadhaar card. It is an offense under the Aadhaar Act 2016. If a private entity demands to see your Aadhaar card or seeks a photocopy of your Aadhaar card, please verify that they have valid user license from the UIDAI। बच्चों को अच्छा इंसान बनने को प्रेरित करें, मुख्य सचिव का आदेश। बच्चों को अच्छा इंसान बनने पर को प्रेरित करें, मुख्य सचिव महोदय ने, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा कि बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करने की बजाय अच्छा इंसान बनाने पर जोर देना चाहिए। शिक्षक नए भारत की नई पीढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं जो देश के लिए एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आती है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा किया गया। मुख्य सचिव रविवार को विद्या भारती एवं प्रांत भारतीय शिक्षा समिति द्वारा आयोजित नवचयनित आचार प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देश में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। शिक्षा कुछ दीपक के समान है जो घोर अंधकार में भी रोशनी की किरण बनता है। ऐसे में शिक्षक अपने छात्रों में आत्मबल, आदर्श, ईमानदारी, सच्चाई, लगन और मेहनत के साथ ही भारतीय मूल्यों और संस्कारों की मिसाल जलाएं, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो, सक्षम स्वाभिमानी और बच्चों में उत्सुकता जगाएं। उन्होंने कहा, शिक्षकों को यह सोचकर बच्चों को गढ़ने की जरूरत है कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 में हमारे देश कैसा होगा। बच्चों को सक्षम स्वाभिमानी बनाएं, उनके अंदर उत्सुकता जगाएं और समावेशी मूल्यों को सिखाएं ताकि वह राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ने के साथ संभावनाओं और अनंत रास्तों को की खोलेगी। विद्यालयों के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि 20 मई से 29 मई तक इस शिविर में 13 जिलों के 80 आचार्य, 10 प्रधानाचार्य, 15 अधिकारी तथा व्यवस्था के 20 आचार्य सहित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षकों ने सत्र लिए। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह, प्रबंधक डॉक्टर शैलेन मिश्र जी आदि। छुट्टियों में योग प्रशिक्षण में ड्यूटी लगने से रोष, बैराजून का मानदेय नहीं मिलने से शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को सामने आर्थिक संकट है। सभी की ड्यूटी योग प्रशिक्षण में लगने से उनमें आक्रोश है। जून का मानदेय दिलाने की मांग संघ ने उठाई है। विद्यालयों में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अगले सत्र से उन्हें योग कराया जाना है।
इसके लिए प्रसिद्ध विद्यालयों के एक एक शिक्षक को इसका प्रशिक्षण दिया जाना दूरस्थ जिलों के रहने वाले शिक्षकों के घर चले जाने का कारण शिक्षा मित्रों और निदेशकों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज ने पत्र जारी कर दिया है। 11 मई का अल्प मानदेय पाने वाले शिक्षा मित्रों और निदेशकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा मित्र संघ के जिला प्रवक्ता डॉक्टर अनवारुल रहमान खान जी ने बताया कि शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय नहीं मिलता है, जो मिलता भी है वह आज की महंगाई के हिसाब से कम है। गर्मी की छुट्टी में किसी तरह की मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाना पड़ता है। ऐसे आदेश जारी कर शिक्षा मित्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदिरा स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो ब्लॉक से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर है। ये साथियों बिग ब्रेकिंग न्यूज में यदि आप जुड़े रहे तो वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए, और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।